हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एबल स्टेनलेस स्टील 5 लेयर किचन रैक। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये पहले से ही कई जगहों से अनबॉक्स हो चुका है। तो जब डिलीवरी हुई थी मैंने उसी टाइम इसे चेक कर लिया था, प्रोडक्ट अंदर ठीक ही था तो वो मैंने इसे ले लिया। बाकी बॉक्स की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कम से कम भाई 2 बॉक्स देने चाहिए, इसमें एक ही बॉक्स था और अंदर में सीधा प्रोडक्ट है, उस पर एक पन्नी चढ़ी हुई है बस। उसे मैंने चेक कर लिया था, अदरवाइज़ मैं इसे नहीं लेता। तो चलिए इसको अब अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है। ये मैंने सेल में परचेज़ किया था, तो बाहर ऐसे मार्केट में थोड़ा महंगा पड़ रहा था 2400 का, तो सेल में मैंने इसे 1700 का ख़रीदा है। उस हिसाब से मेरे 400-500 बच रहे थे तो मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया। तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है एवर 100% स्टील। तो इसे अनबॉक्स करते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कैसा है। तो भाई पैकिंग तो इसकी थोड़ी अच्छी थी, बट हमने इसे पहले खोल लिया था और इसके साथ मुझे बिल में बॉक्स में कुछ नहीं मिला, बिल वगैरह सिर्फ यही एक कागज़ मिला जिस पे इसके डाइमेंशन दी हुई है और ये नंबरिंग की गई है किस तरह से इसे फिट करना है। तो इसी को देखते हुए हम इसे फिट करेंगे। और ये कुछ नट बोल्ट है जो इसमें यूज़ होंगे इसे फिट करने के लिए। तो ये कुछ एक्सेसरीज है जो हम लास्ट में लगाएंगे इस पर फिट होने के बाद। वैसे स्टील की क्वालिटी तो दोस्तों अच्छी लग रही है इसकी, और हमेशा ध्यान रखें इसमें जो होल होते हैं वो एक ही साइड पे होने चाहिए फ्रंट में, नहीं तो ये फिर से खोलना पड़ेगा। उल्टा सीधा लगा दिया तो इनको फ्रंट में रखें और फिर जोड़ना शुरू करें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अब आपको लास्ट में वीडियो के, और बताता हूँ कि ये कितनी इसका वेट है और कैसा स्टील है। तो वीडियो में बने रहें और पूरा लास्ट तक देखें। तो अब मैं इसे फिट करता हूँ।
तो भाई अब हमारा रैक तैयार है, और अगर इसके डाइमेंशन की बात की जाए तो ये 32x30 है, और अब इसके स्टील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, अच्छा ही है, और इसका वेट भी ठीक ठाक ही है, 5-6 केजी के करीब है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।